पावर विंडो के स्विच पे आज हम बात करने वाले हैं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट का ये स्विच है। इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स के जो ऑटो वाला बटन रहता है फ्रंट आरएच जो ड्राइवर साइड का शीशा अप डाउन करता है वो ऑटो बटन है, बाकी सब मैन्युअल है। यानी कि जितना पुश रखेंगे उतना विंडो अप या डाउन होगा और ऑटो में एक बार छूने से वो अप हो जाएगा और पूरा डाउन हो जाएगा। तो ऑटो बटन मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं फ्रेंड्स, तो पूरा स्विच डालना पड़ता है। तो स्विच भी डाल सकते हैं हम, और कई बार हम उसको कस्टमर बोलता है कि हमें पैसा नहीं खर्चना है तो हम उसको लेफ्ट साइड के स्विच से ड्राइवर साइड का आरएच विंडो अप डाउन होगा ऐसा वायरिंग भी करके देखते हैं। तो आज बताता हूं मैं आपको। हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर मोटर्स बायर। आज हमारे पास आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट के अंदर पावर विंडो में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने थोड़ा वायर वहाँ से निकाल लिया है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो ऑटो का जो बटन रहता है ना पावर विंडो का, वो काम नहीं कर रहा है। उसे कांच ये बटन ही फेल है, समझ लो मूवमेंट करते तभी मालूम होता है, ये हिलता ही नहीं ऊपर की ओर, नीचे झुकता है ऊपर चढ़ता नहीं है। बाकी कांच सब ठीक है, यहाँ से वो भी रेडी है, यहाँ पे वो भी रेडी है, पीछे वाला भी रेडी है, सभी बटन तीनों तीन रेडी है। लेकिन ये ऑटो वाला बटन है इसी में प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रहा है। और स्विफ्ट वैगनर के अंदर ज़्यादातर फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम रहता है, ये ऑटो वाला जो बटन रहता है वो प्रॉब्लम हो जाता है, ये काम नहीं करता है, कंपनी का है प्रॉब्लम ही है। तो क्या है, पूरा स्विच डालना पड़ता है। तो अभी इस बटन से हम मूवमेंट करते हैं तो कांच शीशा ऊपर चढ़ता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बटन यही रहने देंगे, लेकिन ये बटन से हम ये शीशा ऑपरेट करेंगे। ड्राइवर साइड वाला शीशा लेफ्ट साइड के बटन से यूज़ करेंगे और लेफ्ट साइड वाला जो शीशा है वो वहीं से यूज़ करेंगे जो हम इसमें जुगाड़ करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर स्विच नया नहीं डालने वाले हैं। अभी इस बटन से वो शीशा उतर रहा है, चढ़ रहा है, वो सीधा वहीं से उतरेगा और चढ़ेगा, यहीं से काम नहीं करेगा। ये बटन हम इस जगह पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, जो ये दो तार है ये लेफ्ट साइड के शीशे की है और ये राइट साइड के शीशे की है, ये दो रेड है, ये हमें यहीं से मालूम हो जाएगा, जो ये यहीं से मालूम हो जाएगा। और दूसरी हमें यही है लेफ्ट साइड की, मैं 100% बोलता हूँ, लेकिन आपको अगर कोई कार चेंज हो जाती है तो आपको उसको क्या करना है, वहाँ पे सीरीज लगा के बटन से मूवमेंट करना है, वो चेक करना है कि यही है दूसरी है। तो हम करते हैं उसको, आपको चेक कराते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स हमने क्या कर लिया, सबसे पहले जो ये ऑटो वाला बटन है ये ड्राइवर साइड का है तो उसका तो हमने यहाँ से कलर कोड देख के चेंज कर चेक कर लिया। तो ये दो वायर सबसे पहले उसका निकाल दिया है, वो काट लिया हमने इस स्विच में से, उसको चेंज कर दिया, ठीक है। और अब चेक करने वाला है कि ये जो स्विच है ये स्विच का कौन सा वायर तार है पीछे की ओर, ठीक है। तो मेरे 100% यही है, ग्रीन में वाइट लाइन है और रेड में वाइट लाइन है, ये दोनों तार है, ठीक है। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये दो तार हमने काट लिए यहाँ पे, और अभी इसके अंदर आपको दिखाने के लिए मैंने अभी सीरीज भी लगा लिया है। अब जैसे ही मैं इसको मूवमेंट करूँगा ये स्विच को तो सीरीज जलेगा, आप देख रहे हो, वहाँ पे शीशा भी काम करेगा और यहाँ पे सीरीज भी काम करेगा। तो ये तार फिक्स उसका यही है, तो हम ये दोनों तार को निकाल देते हैं और उसको भी काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेड में और ग्रीन में जो वाइट लाइन है ये लेफ्ट साइड के तार था, तो वो हमने दोनों यहीं से कट कर लिया है और वो स्विच के अंदर हमने ड्राइवर साइड का जो ग्लास है उसी में मशीन में दे दिया ये तार, ये रेड है ओनली और इसमें वाइट लाइन है, ठीक है। तो हमने ये तार यहाँ से इसमें था काट के इसमें दे दिया है, और ये ग्रीन वाला था वो इसमें दे दिया है, ठीक है। लाइन टू लाइन था, वो कोड चेंज कर दिया है, यानी कि लेफ्ट साइड का तार स्विच का है वो राइट साइड के मशीन में दे दिया है। और अब क्या करना है, अब ये हम सीधा इस स्विच से काम करेंगे तो हमारा ये शीशा भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये तो हमारा पक्का हो गया कंप्लीट, अब काम क्या करना है फ्रेंड्स, ज्यादातर दिक्कत यही होती है फ्रेंड्स, अब वो साइड का शीशा कैसे काम करेंगे हम। तो अभी तो इग्निशन ऑन है, ये विंडो भी कंप्लीट काम कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये स्विच काम नहीं कर रहा। तो ये स्विच जब भी काम कर रहा है जब भी ये दोनों तार में अर्थ मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक में अर्थ मिलेगा तो विंडो डाउन होगा और एक दूसरे में मिलेगा तो अप होगा, दोनों को साथ में मिला के हमें उसको अर्थ देना है। दे दो भैया यहीं अभी। तो फ्रेंड्स जो लेफ्ट साइड वाली तार थी विंडो की उसके अंदर हमने अर्थिंग दे दिया दोनों तार में, थोड़ा उंगली नीचे लो,
दोनों वायर है फ्रेंड्स, दोनों को अर्थ कर दिया है हमें साथ में मिला के, तभी ये हमारा विंडो काम करेगा। ठीक है, अभी फ्रेंड्स कंप्लीट हमारा चारों विंडो काम करते हो गए, लेकिन ये ऑटो वाला काम नहीं करेगा, ये ड्राइवर साइड का ऑपरेट यहीं से होगा सीधा। ठीक है, और यहाँ से वो लेफ्ट साइड का ऑपरेट नहीं होगा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से ही ऑपरेट होगा। तो ये करने से आपका क्या, स्विच नहीं डालोगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने ये वायरिंग कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार फिर से बोलता हूँ, जो ड्राइवर साइड का मोटर का तार रहता है स्विच में से निकलता है, वो तार काट लेना है हमें, और उस मोटर में लेफ्ट साइड का स्विच का तार दे देना है, और लेफ्ट साइड का स्विच का दोनों तार है उसको अर्थ दे देना है। ठीक है।